हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष पाल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जॉन डियर 5310 4x4, जिसका हम ये फोर व्हील में इसका आवाज़ कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे क्राउन पिनियन और तिल पिनियन लगता है, वहाँ बॉडी उसका कितना खा चुका है, यानी कट गया है इसका बॉडी। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका बॉडी कितना कट गया है। और ये फोर व्हील में चलने में आवाज़ भी कर रहा था इसका क्राउन, और तिल पिनियन इसका आवाज़ कर रहा था चलने में। तो चलिए इसको खोल के हम देखते हैं कि इसमें क्या रीज़न है। तो तिल पिनियन इसका क्राउन पिनियन ठीक तो है, देखते हैं कि कैसा है। तो सबसे पहले हम टायर खोल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं टायर खोल के। तो इधर से ऑयल सील भी इसका लीक है। और इधर सापट का भी ऑयल सील लीक है, तो ये ऑयल सील भी चेंज करेंगे हम इसका भी। तो दोस्तों, हम टायर खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे खोलना है। तो दोस्तों, इसमें काम तो बहुत है, जैसे कि इसका हम ब्रेक लेदर भी चेंज करेंगे। ब्रेक लेदर भी चेंज करना है इसका, तो हम एक एक करके सब वीडियो बनाएंगे आपको। अगर टाइम मिला तो ब्रेक लेदर का भी हम वीडियो बनाएंगे। हमें इसमें ब्रेक का, इंटरलॉक का और हैंड ब्रेक का, दोनों का दो तीन काम है इसमें, सभी काम हमें करना है। तो वीडियो आपको सभी मिलेगा। तो आपने देखा कि हमने टायर खोल लिया है, उसके बाद हम इसका हब नहीं खोलेंगे, तो इसका दोनों हब सेटी खोलेंगे, किन पिन का बेयरिंग खोल के दोनों हब लगे लगे निकाल लेंगे एक्सल सहित, क्योंकि इसका हब ऑयल सील ठीक है, लीक नहीं है। हमें सिर्फ क्राउन पिनियन का काम करना है। तो दोस्तों, हम खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने किन पेन का वायरिंग खोल के कैसे पूरा ही कंप्लीटली हमने निकाल लिया इसको। ये देखा आपने कि हमने निकाल लिया इधर का ऑयल सील बिल्कुल भी लीक नहीं है। तो उसी इसी तरह ये भी इधर का भी, जैसे उधर हमने खोला था वैसे ही इधर भी हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम फ्रंट एक्सल का बीम खोल के आपको दिखाएंगे कितने आसानी से हम फ्रंट एक्सल का बीम खोल लेते हैं। तो हमने इधर का भी हब खोल लिया है। तो दोस्तों, ये सिलेंडर का, स्टीयरिंग सिलेंडर का पाइप भी खोल लेंगे, नहीं तो हमारा ये टूट सकता है पाइप बीम खोलने टाइम। तो ये इसको खोल लेंगे पहले ही। तो हमने पाइप खोल लिया है, उसके बाद ये सापट, फोर व्हील वाला सापट निकाल लेंगे, और उसके बाद ये नट खोल लेंगे। और नट खोलने के बाद चारों नट खोल लेंगे, दो आगे का दो पीछे का, उसके बाद जग डाउन करेंगे तो हमारा बीम थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे कि हम रेल गाड़ी लगा लिए हैं, जैसे कि हम दो पीस करते हैं गाड़ी को, वो लगा लिए हैं, तो आसानी से ये लगा लेने से निकल जाता है। हम तो रेलगाड़ी ही बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, अब आप लोग जो बोलते होंगे समझ लीजिएगा। तो जग हमने डाउन करके इसको कितने अच्छे से, जैसे गाड़ी को ढकेलते हैं वैसे ही ढकेल के इसको हमने बीम को निकाल लिया।
तो इसको हम अब उस बेंच पे रख लेते हैं अच्छे से। उस पे हम स्टेयरिंग बूम को हम खोलेंगे। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका बॉडी किस तरह कट गया है और इसका बूस तो एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। बूस तो टुकड़ा टुकड़ा हुआ है, बॉडी भी इसका कट गया है पूरा। मेरे को तो लग रहा है कि ये बॉडी ही चेंज करना पड़ेगा। फिर भी देखते हैं, हम खोल के इसको खराद मशीन पे लेके जाएंगे। लेथ वाले अगर इसको बना देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका बॉडी चेंज करना पड़ेगा हमें। तिल पिनियन का बॉडी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। और ये हमारा फ्रंट वाला बुश है। तो स्टेयरिंग बूम का सिलेंडर हम खोल लेते हैं, उसके बाद आपको तिल पिनियन का बॉडी खोल के हम दिखाएंगे। तो इसको अच्छे से रख लेंगे कि सिलेंडर में चोट ना लगे, चोट लगेगा तो ऑयल से लीक हो जाएगा। तो ये तेल पिनियन हम खोल लेते हैं इसका। तो दोस्तों ये बहुत भारी होता है, बहुत सावधानी से इसको निकालना होता है, नहीं तो हाथ कट सकता है। तो आपने देखा कि क्राउन पिनियन तो इसका ठीक ही है, क्राउन पिनियन में तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आवाज़ कर रहा था। मेरे को तो लग रहा है कि तेल पिनियन का बैरिंग ही टूटा होगा, पले है थोड़ा बहुत। लेकिन चलिए फिर हम इसको खोल लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही ट्रैक्टर रिपेयरिंग के वीडियो बनाते रहते हैं नए नए टॉपिक पे। तो बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लें कि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों लाइक कर दें और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे किसान भाइयों में भी शेयर करिएगा। हम ऐसे ही नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं सभी ट्रैक्टरों के। तो हमारा क्राउन पिनियन खुल चुका है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सिर्फ खोलने का वीडियो बनाएंगे और फिटिंग वीडियो पार्ट 2 में बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये छेनी की मदद से तिल पिनियन का चेकनेट खोल लेंगे। तो हमारा तिल पिनियन का चेकनेट खुल चुका है। ये सील कैरियर था, ये सील बुश है। सील बुश का आप देखते हैं निकाल के इसका क्या हालत है। ये सील बुश भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ऑयल सील निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं बैरिंग का क्या कंडीशन है।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये बैरिंग इसका टूट गया है, शायद इसी के चलते ये आवाज़ भी कर रहा था, बैरिंग टूटने के ही कारण से। तो दोस्तों बैरिंग नंबर यही है HM8949। दोस्तों फिटिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रख लीजिए कि वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।